बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रही हूँ दाल, चने की, मसूर की और मूंग की दाल। तीन दालें मिक्स कर दी हैं। आज बनेंगे जी दाल चावल। फिर चिकन, चिकन बहुत हो गया तो आज दाल की बारी। और दाल जड़ी ने बना सही है। तो ये आम वो दाल को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, इसमें नमक मेरा छाछी डाल दी है। तो ये अभी गलने के पास है। इधर जो है ना, मैंने ये तड़के के लिए चीज़ें तैयार कर ली हैं और साथ उबालेंगे जी चावल। आज बनाए, आज खाएंगे जी दाल चावल। बाहर मौसम जो है ना, बहुत आंखें निकाल रहा है, शदीद वाली गर्मी है बाहर। ये देखें कितनी कड़कती पड़कती धूप है, उसमें ना एक छोटा सा आपको नजर आएगा बादल, कोई पता नहीं शाम तक ये बादल बहुत ज्यादा हो जाए। कपड़े मैंने धो के बाद फैला दिए हैं और धूप जो है ना कड़क कड़क लगी हुई। ये जी हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। मैंने धनिया डाल दिया है। अब इसमें ना ये तड़का लगा दिया है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और साथ में ना इस तड़के की स्मेल से ना, खुशबू से सॉरी, मुझे ना खांसी आना शुरू हो गई है, क्योंकि खांसी एक ना ठीक नहीं हो रही मेरी। चलो कोई ना, वो तो ये देखें आज माशाल्लाह जी, ये आपको दाल चेक कराती है कितनी मज़े की दाल है। चटपटी थी और साथ बनेंगे जी राइस। ये धुआं ख़त्म होना फिर आपको नज़र आए। ये देखिए इतनी मज़े की दाल बनी माशाल्लाह। तो साथ बनाएंगे जी चावल, उबालेंगे वाइट वाले चावल। ये ना बोलिए, चावल जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए थे, पानी गर्म करके ना, तो इसमें चावल डाल दिए। जब पानी को उबाली आ जाए ना तो फिर चावल डाल दें, और जब चावलों को अच्छे से उबालियाँ लगना शुरू हो जाएं तो फालतू पानी जो है ना वो थोड़ा सा निकाल दें, क्योंकि फिर चावल जुड़ते नहीं हैं। ऑयल डालें ना फिर, तो ऐसे सिर्फ उबले हुए चावल बनाएं तो इसमें पानी मैं थोड़ा निकाल देती हूँ, उससे फिर चावल जो है ना खले खले बनते हैं, आपस में ना जुड़ते नहीं हैं चावल। देखें दोबारा से इसको उबालियाँ आने की होगी, ऊपर से ढक देंगे थोड़ी देर के बाद, इसको लगाएंगे जी पानी निकाल के फालतू दम। अब जी इसको ना दम लगाएंगे और 5 मिनट के बाद इसको ना खोलेंगे दम को। तो 5 मिनट में इंशाल्लाह हमारे जो राइस है ना वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब खोलेंगे जी दम। ये देखें माशाल्लाह, सबको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे।